केस फ्लिक्स जो है OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, मैं पूरे टीम को बहुत बधाई देता हूँ, खासकर हमारे दीप शर्मा जी को जो हमारे बहुत ही पुराने सीनियर मित्र हैं और काफ़ी सालों से इस लाइन में अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका इस कदम को भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान करे ये SKS जो है बहुत हिट हो जाए, हर किसी की ज़ुबान पर आए और OTT की दुनिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए। प्लेटफॉर्म तो अभी ऐसा हो गया कि हर एक की ज़रूरत हो गया, क्योंकि जब मोबाइल ही हमारे हाथ में 24 घंटे होता है, TV तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग देखते हैं, आजकल कोई देखता नहीं, TV बहुत कम देखते हैं, कुछ खास प्रोग्राम हो तो देखता है, लेकिन मोबाइल आप हर वक्त 24 घंटे अपने साथ में रहता है और ऐसे में आपका फेवरेट जो भी कंटेंट होगा, चाहे किसी भी भाषा में हो, वो अगर आपको मिलता है तो मैं समझता हूँ कि वो हिट हो जाता है। तो SKS जो है, जैसे शर्मा जी का मैं कहूँगा कि इनको हर तरह का नॉलेज है, नवमम सिद्धिदात्री हैं, तो यह आज के दिन आज इन्होंने जो इसका प्रारंभ किया है, जो शुरुआत किया है, यह सभी प्रकार का सिद्धि देने वाला रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दीप शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म इस देश में चल रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी हिम्मत से और अपने तजुर्बे से इस प्लेटफॉर्म को जो है आज की बहुत पेशेवर भीड़ में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ईश्वर से उनके लिए दुआ करूंगा, कामना करूंगा कि वो इसमें कामयाब हों। और SKS फ्लिप्स के लिए सबसे पहले मेरी शुभकामना है कि उन्होंने और नया प्लेटफॉर्म दिया है और मैं एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जुड़ी हूँ, मैंने उनके लिए काफ़ी 3-4 शो कर लिए हैं अभी तक। वैसे देखा जाए तो OTT के मामले में आप देखोगे तो हर जगह एक मोनोपोली है, पर जो उनसे मिली SKS जो हमारे हैं, उनका नेचर इतना अच्छा है ना कि वो हर इंसान को काम का मौका देते हैं, हर डायरेक्टर को, हर प्रोड्यूसर को। तो मेरे ख्याल से ऐसे बंदों को मौका मिल रहा है जो अपना अनुभव, अपना जो करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है। शॉर्ट शब्दों में बहुत दिल से जुड़ी है, दिल तो वही लगता है ना जहाँ प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है मेरे लिए, तो वो चीज़ें तो वही मिलेंगी। तो सगुन जी, यहाँ पे रामकुमार पाल जी भी आने वाले थे एज अ गेस्ट पर नहीं पहुँचे, क्या वजह पिछले लिए? आज नवरात्रि है, लास्ट है माता जी का, तो मतलब शायद हो सकता है कि हमने गलत टाइम पे रखा होगा प्रोग्राम, हर व्यक्ति बिजी है, हमने इनवाइट किया उनसे वो नहीं आ पाए। उनका किस तरह का सपोर्ट रहता है, आप जब उनके पास जाती है उनसे मिलती, उनका किस तरह का सपोर्ट बना हुआ रहता है? वो ऑलवेज मेरे भाई के जैसे हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है हमेशा ऑलवेज मेरा साथ देते हैं, और उनकी कमी मुझे है नहीं पर महसूस हो रही है, वो होते थे साथ और अच्छा लगता। और वो समाज से भी जुड़े हैं, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उन्हें होना चाहिए था, मैं मिस कर रही हूँ। बात हुई थी तब से हम साथ में जुड़े हुए हैं, हमने फ्लिक्स के लिए 2-3 प्रोग्राम्स बनाए हैं जिन्हें शगुन राठौड़ जी ने प्रोड्यूस किया है, सागर जी ने अपनी फोटोग्राफी से जिसकी खूबसूरती को निखारा है, और बस बहुत जल्दी आप सर्वेश भाई के नए OTT SKS फ्लिक्स में हमारे सारे OTT वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे। तो इस एक OTT प्लेटफॉर्म से क्या कुछ लेकर आने की आपकी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया 13-14 फिल्मों को, जिस तरह से आपने पहले इतनी बड़ी फिल्मों को आपने किया है, तो अभी इस OTT प्लेटफॉर्म के साथ आप जब जुड़े हुए हैं तो आप किस तरह से इसके लिए फिल्में एंड आपके प्रोजेक्ट किस तरह? हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, वो चीज़ें ना करें जो इससे पहले बहुत लोगों ने देख लिया है, गंदगी से बहुत दूर हैं, हमारे OTT में बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें बन रही हैं, क्राइम शो बन रहा है, कॉमेडी शोज़ बन रहे हैं, रियलिटी शोज़ टाइप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं, और हमने कुछ अलग करने का एक प्लान किया है जो जैसे जैसे आता रहेगा, आप लोग देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। प्लेटफॉर्म हमारा ऑलरेडी एक OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है जिसका नाम फ्लिक्स SKS मूवीज़ करके चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल बाबतों की वजह से हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा और ये हम नया OTT प्लेटफॉर्म मार्केट में ला रहे हैं। तो इस नए OTT प्लेटफॉर्म से क्या कुछ नया लाने की आपकी कोशिश है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले एक OTT प्लेटफॉर्म था, उसे छोड़कर फिर नए इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या कुछ नया है इसमें? ये OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत हमने इस तरह से की है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये जो OTT प्लेटफॉर्म बनाया है
पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से ही बनाया हुआ है। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इसको देख सकता है। हर एज के लिए हमारे पास में प्रोग्राम है, जैसे कि हमने क्राइम शो अभी स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी हमारे पास में कंटेंट सारे रेडी है जो आपको नेक्स्ट डे से आपको कल से ही देखने के लिए इसमें मिलेंगे। तो जो नए चेहरे हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या ऐसे लोगों को भी जगह मिलेगी SKS प्लेटफॉर्म पे? मैम हम ऑलरेडी जो भी नए आर्टिस्ट है उनको ही चांस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको ही चांस दे रहे हैं। सर ने जैसे बताया कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म में जो भी कंटेंट चल रहे हैं उसकी वजह से लड़कियां खास करके जो फीमेल आर्टिस्ट है उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रही है और पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट कॉमेडी सीरीज है वो सब हम ला रहे हैं इसमें। जब वेब सीरीज का नाम आता है तो उसमें जो एक सीन लोगों को देखने को मिलता है और लोग उसे ही देख रहे हैं, लेकिन आप उससे चेंज कर रहे हैं कि वो सीन आपके वेब सीरीज में नहीं होगा, तो क्या लगता है दर्शकों का प्यार मिलेगा आपके वेब सीरीज को? 100% मैम, हमारा एक्चुअल में यही मानना है कि जो भी वेब सीरीज है, वेब सीरीज ओनली फॉर वही कंटेंटों की वजह से ही जानी जाती है। वेब सीरीज का नाम आते ही सबको यही लगता है कि इसमें उस टाइप के ही कंटेंट होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बड़ी बड़ी OTTs पे भी अभी अच्छे अच्छे कंटेंट्स चल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टोरियाज चल रही है, तो उस हिसाब से हमारा पूरा मानना है कि वही कॉमेडी कंटेंट है। वेब सीरीज में भी कॉमेडी